सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक इंटरफेरेंस। और इसमें हमने अब तक क्या क्या देखा है पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो इंटरफेरेंस को हमने शॉर्ट में देखा था, उसका हमने किस तरह से इंटरफेरेंस होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बारे में हमने अब तक देखा है। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बाय द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सब लोग ध्यान दीजिए, व्हाट इज दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो दिस साइंटिस्ट यंग, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि जिसमें उन्होंने दो ऐसे स्लिट्स को कंसिडर किया था जो मोनोक्रोमैटिक हो और कोहेरेंट हो, है ना। तो जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसको दिखाया था, है ना। सो कंसिडर दैट देर आर टू स्लिट्स, और ये जो स्लिट्स हैं दी स्लिट्स आर मेड ऑन द सेम कार्डबोर्ड शीट। एक कार्डबोर्ड शीट के ऊपर ये दो स्लिट्स बनाए गए हैं जिसको नाम दे देंगे हम S1 एंड S2। सो S1 S2 क्या है? तो S1 एंड S2 आर द टू स्लिट्स, ओके। और इसके सामने हमने एक स्क्रीन को रख दिया, तो दिस यंग साइंटिस्ट, सो वॉट ही ऑब्जर्व वॉज, यहां पर देर आर टू वेव्स कमिंग एट एनी पॉइंट। S1 से जो वेव्स आएंगे, तो मान लो कि इस पॉइंट पर आ गए, और S2 से जो वेव्स आएंगे वो भी इसी पॉइंट पर आ गए। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं मान लो P। P इज द पॉइंट जहां पर ये वेव्स पहुंच रहे हैं। अग्रीड? सो दिस साइंटिस्ट ही ऑब्जर्व कि पॉइंट पी के ऊपर जो वेव्स मिल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस प्रोड्यूसेस ब्राइट और डार्क बैंड। यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आइदर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, राइट। सो नाउ जब इस तरह से ये ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे थे बेटे, तो इसके बीच उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर सेंटर में बीचों बीच उसने देखा कि S1 S2 के सेंटर से लेकर स्क्रीन के सेंटर पर यहां पर एक ब्राइट बैंड बनता है। कैसा बैंड? ब्राइट बैंड, ओके। सो उसने इसको नाम दे दिया सेंट्रल ब्राइट बैंड। इसका नाम था सेंट्रल ब्राइट बैंड क्योंकि सेंटर में फॉर्म हुआ है ना। सो इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट बैंड जो यहां पर फॉर्म हुआ। अब ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड यहां पर फॉर्म हुआ है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के पास दो वेव्स आ रही है। एक वेव है S1P और दूसरी वेव है S2P। यस और नो? ये दोनों वेव्स है ना, तो ये वेव्स यहां पर मिलेगी,
पॉइंट पी के ऊपर, तो पॉइंट पी जो है, सो इधर लिखेंगे हम द वेव्स फ्रॉम एस वन एंड एस टू मीट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर ये दोनों वेव्स मिलती हैं, और यहां पर मिलने से क्या होगा, बाय इंटरफेरेंस, बाय इंटरफेरेंस पॉइंट पी विल बी आइदर ब्राइट, या इधर ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा। तो ब्राइट या डार्क ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका जो पॉइंट है पी, ये ब्राइट है या डार्क है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यस, सो इट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस। तो हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा था, है ना, इसको हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। तो इन कंडीशंस में पॉइंट पी ब्राइट रहेगा कि डार्क रहेगा, इसके बारे में हमने कहा था, समझ में आ रहा है, पॉइंट पी आपका आइदर ब्राइट रहेगा या डार्क रहेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो दिस डिपेंड्स अपॉन, इधर लिख देता हूं मैं, दिस डिपेंड्स अपॉन फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस से आता है पाथ डिफरेंस, तो ब्रैकेट में पाथ डिफरेंस भी बता देता हूं, ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन एस वन पी एंड एस टू पी, ये जो दो वेव्स है एस वन पी एंड एस टू पी, इन दोनों में जितना पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ब्राइट है कि डार्क है। तो इसीलिए अब हम ढूंढेंगे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एस वन पी एंड एस टू पी। तो चलिए अब यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, सो लेट अस ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एस वन पी टू दिस स्क्रीन, और एस टू पी से लेकर स्क्रीन तक ये ड्रॉ कर लिया हमने। ऐसा कंसिडर करिए कि यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये जो डिस्टेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस हमें दिया है कैपिटल डी, ऐसा मान लेते हैं, और आपके जो S1 S2 है, S1 एंड S2, इनके बीच का जो दूरी है तो वो भी हमने कंसिडर कर लिया है, लेट से इट इज स्मॉल d, ओके, और ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है आपका, तो इस सेंट्रल ब्राइट बैंड से पॉइंट P का जो दूरी है, so this particular distance of point P from central bright band, let's say it is y, ठीक है, अगर ऐसा मान ले हम, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटे ध्यान दो, अगर इस तरह से हमने ये पूरा अरेंजमेंट कर लिया, तो अब हमें ढूंढना है के इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है, इसको हमें ढूंढना है। तो मैं कह सकता हूं, एक बात तो जरूर कह सकता हूं कि यहां पर द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन S2P and S1P is equals to, क्या मैं ऐसा लिख दू सीधा सीधा, S2P का लंबाई minus S1P का लंबाई, that will become equals to path difference, जिसको delta x कह सकते हैं हम, so this will be S2P minus S1P, so this is the path difference S2P minus S1P,
ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें आप, तो अब यहां पर मैं दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करने जा रहा हूं। ओके, सो कंसिडर द फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल एस वन पी, और यहां पर एक नाम दे देते हैं कोई, इसको नाम दे देते हैं एम, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एन, चलेगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एस वन पी एम, एस वन पी एम ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस से मैं बोल सकता हूं कि एस वन पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस वन एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर। एग्रीड, क्या ये सबको एग्री है? ठीक है, तो इसमें एस वन एम जो है, एस वन एम देखो ये वाला डिस्टेंस, ये तो डी है ना, कैपिटल डी, तो लिखेंगे एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस वन एम की जगह मैं लिख रहा हूं डी का स्क्वायर प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटर से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, y, ठीक है, और s1 s2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, d, s1 s2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, d, तो उसका आधा ये d by 2 हो जाएगा, यहां पर ये डिस्टेंस हो जाएगा d by 2 और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा d by 2, yes or no, कौन सा, ये cm और cn, cm और cn, देखो ध्यान से, CM D by 2 और CN भी D by 2, तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि यहां पर PM, ये जो डिस्टेंस है PM, ये देखो ये PM वाला डिस्टेंस, ये तो ये PM वाला डिस्टेंस Y माइनस D by 2, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है बिल्कुल, तो ये बन जाएगा Y माइनस D by 2 मतलब PM और उसका स्क्वायर, क्लियर। सो पीएम को लिखा हमने y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया एस वन पी का स्क्वायर। उसी तरह से इन ट्रायंगल एस टू पी एन, ये ट्रायंगल देखिए किधर है, ये रहा एस टू पी एन, एस टू पी एन, इस ट्रायंगल में फिर से एस टू पी स्क्वायर पाइथागोरस इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, एस टू एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। इसमें फिर से मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू, ये है डी प्लस ये जो पी एन है, पी से लेकर एन तक का दूरी, वो वाई और डी बाई टू के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या हम, बोलो क्या ये दूरी लिखा जा सकता है? हाँ जी हाँ, लिखा जा सकता है, कितना हो जाएगा वो y प्लस d by 2, कितना होगा y प्लस d by 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से ये लिखा जाएगा y प्लस d by 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। एग्रीड, ठीक है जी, ओके तो इसका मतलब हमने एस टू पी स्क्वायर को भी लिख दिया। अब एक काम करना है हमें, अब आप एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर करिए। नाउ वी आर टेकिंग एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कहां बढ़ना है, मुझे ढूंढना है ये डेल्टा एक्स ढूंढना है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एस टू पी माइनस एस वन पी, इसकी तरफ मुझे बढ़ना है। ओके, तो इसीलिए ये सब मैं कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर। चलिए एस टू पी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर तो कैंसिल होने वाला है आखिर, तो बचेगा क्या, इतना ही बचेगा
y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। चलो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई इंटू डी बाई टू, तो टू टू कैंसिल, तो y इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस ब्रैकेट के अंदर y स्क्वायर माइनस y d प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, राइट। तो अगर एक्सपेंड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस y d प्लस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस y स्क्वायर प्लस y d माइनस डी स्क्वायर बाई फोर। क्या क्या कैंसिल हुआ बोलो, y स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई फोर भी कैंसिल, और इसीलिए y d प्लस y d बन जाएगा 2yd। That means we have got s2p square minus s1p square equals to 2yd. अब ये s2p square minus s1p square 2yd के बराबर हुआ, clear? अब इसको मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, a square minus b square क्या formula है, a square minus b square का क्या formula है, कौन बताएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, क्यों भाई? तो मैं इसको लिख दूंगा एस टू पी माइनस एस वन पी और दूसरे ब्रैकेट में एस टू पी प्लस एस वन पी एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हुआ, टू वाई डी के बराबर। इसमें मुझे चाहिए था एस टू पी माइनस एस वन पी दैट इज इक्वल्स टू टू वाई डी डिवाइड बाय एस टू पी प्लस एस वन पी, ओके। तो अब दिस इज इक्वल्स टू, बेटे एस टू पी और एस वन पी ये दोनों जो हैं, तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली देखा गया कि ये जो डिस्टेंस होता है ये है आपके स्लिट्स, ये है स्लिट्स, है ना, और ये पॉइंट पी कहां पर है, स्क्रीन पे है, तो ये स्क्रीन है आपका। जनरली स्लिट्स और स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो इतना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस स्मॉल डी एंड द पॉइंट पी का डिस्टेंस। तो ये सारे डिस्टेंसेस से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इट इज कंपेरेबली वेरी वेरी लार्ज, एंड देयरफॉर अगर हम यहां पर ऐसा लिख दें कि एस टू पी और एस वन पी, एस टू पी और एस वन पी अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर अगर हमने ले लिए, so s1p and s2p approximately equals to capital D, approximation कर रहे हैं हम, और इसीलिए ये s1p plus s2p बन जाएगा 2d approximately, okay। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जो आपका डेल्टा x आया, this डेल्टा x is equals to, ये डेल्टा एक्स था ना, यही तो था डेल्टा एक्स, सो दिस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू टू वाई डी डिवाइड बाय टू डी विच इज इक्वल्स टू वाई डी बाय कैपिटल डी, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट यहां पर आपको प्राप्त हुआ है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना होगा हमें, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो काम में आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ये रिजल्ट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो
So path difference between S1P and S2P, which is delta X, that is YD upon D. YD upon D. चलो फटाफट लिख लो. अब हम देखेंगे कि ये जो हमें डेल्टा एक्स मिला, ये डेल्टा एक्स क्या था? इट वॉज द पाथ डिफरेंस. लेकिन हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखी थी. सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें कौन सा बैंड आता है? ब्राइट बैंड, है ना? क्या प्रोड्यूस होता है? ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होता है. सो इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ब्राइट बैंड, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्राइट बैंड का कंडीशन अगर आपको याद होगा, हमने पहले देखा था कि ब्राइट बैंड का कंडीशन क्या होता है. ब्राइट बैंड का कंडीशन होता है कि द डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा. पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा. इसको अपने यहां पर जो जनरल डेल्टा एक्स मिला उससे अगर इक्वेट कर देंगे तो इसका वैल्यू किसके लिए बन जाएगा? ब्राइट बैंड के लिए. तो ब्राइट बैंड के लिए मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू एन लैम्डा विच शुड बी इक्वल्स टू वाई डी अपॉन डी. वाई डी अपॉन डी, राइट? एंड देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, यहां से y का वैल्यू लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू n लैम्डा d, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d. तो ये जो फॉर्मूला बना, व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड y. y क्या है? डिस्टेंस है. किसका? पॉइंट p का डिस्टेंस. ये पॉइंट p आपका है ना, ये वाला पॉइंट p. तो इस पॉइंट P का वो डिस्टेंस है कहां से? सेंट्रल ब्राइट बैंड से, करेक्ट? सेंट्रल ब्राइट बैंड से यहां तक का डिस्टेंस है y. सो वो y मिला किसके लिए? n लैम्डा d बाई डी, जिसमें n का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना? n इक्वल्स टू 0, यहां पर लिख देता हूं. n का वैल्यू हो सकता है यहां पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? लैम्बडा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड स्मॉल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. तो ये इनके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वाई मतलब डिस्टेंस किसका? ब्राइट बैंड का. ये कंडीशन किसके लिए आया? ब्राइट बैंड के लिए. तो ब्राइट बैंड का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना रहेगा? वो रहेगा n लैम्डा d by d. तो n क्या कर रहा है यहाँ पर? n दिखा रहा है कि 0 मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड, 1 मतलब पहला ब्राइट बैंड, 2 मतलब सेकंड ब्राइट बैंड, 3 मतलब थर्ड ब्राइट बैंड. ऐसे अलग 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 ब्राइट बैंड के लिए आपका डिस्टेंस अलग 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 होगा, राइट? तो ये जो फॉर्मूला बना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए ब्राइट बैंड, ठीक है? उसी तरह अब डिस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कौन सा बैंड? डार्क बैंड, राइट? सो डार्क बैंड जहां पर प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमने डेल्टा एक्स को पहले देखा था. कितने लोग को याद है? देखते हैं डेल्टा एक्स का फॉर्मूला, कल हमने पढ़ा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बताइए क्या था? जी हाँ, 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा, ये कंडीशन था है ना। 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा विच शुड बी इक्वल्स टू वाई डी अपॉन डी। तो यहां से फिर से y मिलेगा, क्या मिलेगा? 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2 into small d। ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड, किसका डिस्टेंस बता रहा है? ये डार्क बैंड का डिस्टेंस बता रहा है, कहां से? सेंट्रल ब्राइट बैंड से। ये डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, 12th स्टैंडर्ड में जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा बेटे, इसको ध्यान रखना।